हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है उजाला बुटीक चैनल में। आज वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर आप लोगों की मशीन भी कपड़ा आगे नहीं बढ़ा रही, जैसे कि हम चलाते हैं, देखें ध्यान से, इस तरीके चलाते हैं तो कपड़ा हमारी मशीन आगे नहीं बढ़ाती। देखें ध्यान से, इस तरीके से कपड़ा या का कुछ भी लगा लें, ठीक है, जब नहीं बढ़ाएगी तो कोई चीज़ नहीं बढ़ाएगी। अगर हम चाल भी यहाँ से कम या ज़्यादा करते हैं, देखें ध्यान से, इस तरीके से कम चाल कम भी ज़्यादा करते हैं तो भी कोई खास रिस्पॉन्स इसका नहीं है। इस तरीके की प्रॉब्लम अगर आपकी मशीन भी दे रही है तो फिर हम कैसे कैसे ठीक करें। उसके साथ साथ इस तरीके का अगर सिस्टम है आपका, देखें यहाँ पर, ये हमारी ऊपर और नीचे मतलब बिल्कुल ये वाला चाल वाला लीवर है, ये बिल्कुल ही ढीला है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम कस देते हैं उसके बाद भी यानी कि ये हमारा आगे नहीं बढ़ता। देखें इस तरीके से ऑटोमेटिक नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो ये समस्याएं हैं, तो इन समस्याएं, इन दोनों प्रॉब्लमों को हम बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे, ठीक है। बस आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और एक प्यारी सी लाइक जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले दांत की सेटिंग क्या होनी चाहिए, कितने ऊपर होने चाहिए, कितने नीचे होने चाहिए, कैसे ऊपर करें और क्या यानी कि कहाँ कहाँ से हमें पेंच को खोलना है तब हमारे ये ऊपर होंगे। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरीके से पटरी निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं, उसके बाद इसे खोल लेते हैं। खोलने के बाद फिर देखते हैं कि हमारे दांत कैसे हैं, अभी सही हैं या नहीं है। वैसे तो दांत बिल्कुल नए डलवाए थे हमने इसमें, तो चलिए इसे भी ओपन कर लेते हैं। तो दांत नए हैं तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि ये नए हैं या पुराने। तो देख सकते हैं दांत हमारे एकदम नए हैं, एकदम जमा जमा है, एकदम मस्त, देख सकते हैं। तो दांतों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखें दांत बिल्कुल सही है, बिल्कुल घिसे नहीं है, बिल्कुल सही है। तो अब हमें क्या सेटिंग करनी है ताकि हमारे हमारी मशीन अच्छे से कपड़ा आगे बढ़ाए। तो ध्यान रखें जब भी हम सेटिंग करें तो ये जो दांत है हमारा, ये दांत का जो हिस्सा है, ठीक है, यहाँ तक जहाँ तक कट लगे हुए हैं, यानी कि जहाँ तक दांत हमारे हैं, ये हिस्सा हमारा पटरी के ऊपर दिखाई पड़ना चाहिए, ठीक है। देखें इस पटरी के ऊपर, देखें ये वाले जो दांत हैं, जो ये वाला जो दांत का ऊपर वाला पोर्शन आए, जो कटिंग वाला पोर्शन आए, वो हमारा दांत पटरी के ऊपर, ठीक, पटरी के ऊपर बिल्कुल आ जाना चाहिए, तभी हमारे दांत की सेटिंग सही होती है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि अभी हमारे दांत कहाँ पर हैं, जब हम ऊपर उठाते हैं तो दांत मेरे कहाँ पर होते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर करें। तो देख सकते हैं अभी हमारे दांत जो फुल उठ रहे हैं, कहाँ पर उठ रहे हैं जी, हमारे बिल्कुल दांत बैठे हुए हैं। तो ये दांत बैठे होने के कारण ही हमारी मशीन है जो सही से कपड़ा आगे नहीं बढ़ा पा रही है। भाई जैसे ही चलाते हैं यहाँ से क्या होता है, जैसे ही निडल नीचे जाती है, ठीक है, नीचे धागा लेकर ऊपर जैसे ही आती है, वैसे ही दांतों का काम क्या है, दांतों का काम है कपड़े को आगे बढ़ाना, ठीक है, कपड़े को आगे बढ़ाना है। तो इस तरीके से चलती है मशीन हमारी, कुछ इस तरीके से चलती है। तो कपड़ा यहाँ से लेकर आगे बढ़ ही नहीं पाती है। क्यों नहीं लेकर बढ़ पाती है, क्योंकि दांत हमारे ऊपर पहुँच से काफी नीचे हैं, ठीक है। तो अब हमें इन्हें कहाँ से सेट करना है, तो चलिए, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस पटरी को कस लेते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि क्या करना है। पटरी को यहीं पे कस लें, ठीक, दांत हमारे अपनी जगह पे बिल्कुल सही है और नए दांत हैं। तो चलिए इसे टाइट कर लेते हैं। टाइट करने के बाद फिर हम देखते हैं कि दांतों को हमें कहाँ से सेट करना है। पहले ये सिस्टम और देख लें, ठीक है, ये सिस्टम देख लें, ये वाला जो ये दांत हमारे कसे किस पर है, ठीक है, सबसे पहले ये चीज देखें। तो फ्रेंड्स जो दांत हमारे जो कसे हुए हैं वो किस पर कसे हुए हैं, तो देखें ये दांत कसे हुए हैं हमारे, ये वाली एक चिमटी यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ये वाली चिमटी, ठीक है, ये चिमटी है, इसी पर हमारे दांत कसे हुए हैं। देखें ये लाते हैं तो ये हिलती है, ठीक, तो ये चिमटी ही हमारी सब कुछ करेगी, ठीक है, यही हमारे दांत को ऊपर करेगी, यही नीचे करेगी। तो चलिए इसके लिए अब हमें क्या करना है, पटरी को कस लेते हैं पहले, पटरी को कस लें, उसके बाद फिर हम बताते हैं आपको कि दांत की सेटिंग क्या करनी है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक जरूर करें, आप लोगों से अनुरोध है, और एक कमेंट करके जरूर जाए, कोई भी कैसी भी कमेंट करें, आपको अच्छा लगा वीडियो या नहीं लगा, खराब लगा, जैसा भी लगा कमेंट जरूर करें। तो चलिए अब हमें जो नीचे देखें, थोड़ा नीचे जो ये वाला पेंच आपको दिख रहा होगा, एक पेंच जो सबसे ज्यादा आपकी नजर में होगा, कौन सा पेंच है, वो पेंच है ये वाला पेंच, ठीक है, ये वाला पेंच। तो हमें क्या करना है, हमें दांत ऊपर उठाने हैं, तो दांत ऊपर उठाने के लिए हमें ये वाला पेंच हल्का सा लूज करना है, ठीक, इस तरीके से लूज कर लें, कर लिया लूज, ठीक है, इस तरीके से लूज करने के बाद अब आपको दांत की तरफ देखना है, कैसे देखना है, नीचे से ऊपर गया तो पूरी निडल को हमें ऊपर उठा लेना है, ठीक, इस चीज को पूरा फुल ऊपर उठा लेना है, ठीक, ऊपर उठाने के बाद फिर हमें क्या करना है, अब हमें दांतों को ऊपर उठाना, तो चलिए कैसे उठाएंगे, इस चीज को देखें ध्यान से, इस चीज को हम नीचे दबाएंगे तो हमारी ये चिमटी ऊपर उठ जाएगी, ठीक है, यही करना हमें। तो चलिए इस चीज को हम नीचे दबाते हैं, वैसे ही हमारी चिमटी देखें ऊपर उठ गई, वो चिमटी को नीचे दबा, ऐसे नीचे दबाया वैसे ही हमारे दांत ऊपर उठ गए, ठीक। तो देखें कितने ऊपर में उठाने हैं, पास से देखें थोड़ा, देखिए ज्यादा ऊपर उठाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो कितने ऊपर उठाने हैं, तो चलिए अब आपको बताते हैं, थोड़ा पास से देख लें,
देखिए अभी दांत काफी ऊपर उठ गए हैं, तो अभी नीचे और कर लेने थोड़ा, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे हमने उठाए थे वैसे ही हमें नीचे कर लेने हैं, तो चिमटी को थोड़ा नीचे कर लेते हैं, इस तरीके से नीचे दबाकर कर लेते हैं, ठीक। इतने दांत सही है, ठीक है। लेकिन नए दांत हैं तो और भी कम कर लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। नए थोड़ा कम और कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी मशीन कपड़ा सिकोड़ेगी नहीं, ठीक है। देख ज्यादा नीचे हो गए तो थोड़ा ऊपर और कर लेते हैं, अभी नीचे ज्यादा है ये। चलो चलो, तो ये देख सकते हैं बिल्कुल सही हो गए हैं। तो अब हमें इन्हें कस लेना है, कस के एक बार चेक जरूर करना, ठीक है। इन्हें कस के चेक कर लें, तो ये वाला पैंच यहाँ से टाइट कर लें, ये वाला, तो ये वाला पैंच टाइट कर लें यहाँ से। देखिए यहीं से नीचे और ऊपर दांत होंगे, ठीक है। अब आपको लगे कि हमारे दांत अभी सही नहीं है, अभी ज्यादा अभी नीचे और हैं, तो आप बढ़ा सकते हैं, और अगर सही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके साथ साथ प्रेशर फुट भी हमारा सही होना चाहिए। क्या होता है, प्रेशर फुट में अगर गड्ढे हो जाते हैं तो फिर हमारे दांत काम नहीं करते हैं। तो चलिए दांतों को चेक करके देखते हैं कि दांत चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो देख सकते हैं दांत हमारे एकदम चकाचक चल रहे हैं, और कपड़ा भी अच्छे से आगे बढ़ा रही है मशीन। तो चलिए इस तरीके दोबारा भी कर ले, बहुत मोटा कपड़ा, मोटा पट्टा है ये, तो ये भी अब आगे चला रही तो कपड़ा भी आगे अच्छे से चलाएगी। तो चलिए देखें, अब बैक देखें, बैक होती है कि नहीं। चलिए बैक भी सही हो रही है और आगे भी सही हो रही है, दोनों तरीके से मशीन हमारी काम कर रही है। तो चलिए ये तो सिस्टम हो गया, अब चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो भी देखें। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी ये वाली, ये वाला सिस्टम ये ढीला है, तो इसे कहाँ से टाइट करें। तो इसे टाइट करना बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल है। तो इसे सबसे पहले इसे पलटा लें मशीन को, तो इस तरीके से देखें तो आपको यहाँ पर एक पेंच दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर एक बोल्ट दिखाई पड़ेगा। अगर इसमें नहीं है, ठीक है, यहाँ पर सामने एक, जस्ट सामने एक बोल्ट दिखाई पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, इसके जो ये घूम रहा है इसके जस्ट नीचे, ठीक है। अगर यहाँ पर बोल्ट नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो साइड से पेंच होगा। तो ध्यान से देखें, आपको बिल्कुल सामने जस्ट एक बड़ा सा बोल्ट दिख रहा होगा, तो बस उसी को कसना है। भाई लाइट नहीं सही पड़ रही, तो फ्रेंड्स ये वाला पैंच हमें कस लेना है, यहाँ पर पैंच कस डालकर और कस लें, ठीक है, आपकी ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी। चलिए टाइट कर लेते हैं इसे अच्छे से। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपकी दोनों प्रॉब्लमें सही हो जाएंगी, ये वाली प्रॉब्लम भी सही हो जाएगी, ये वाली प्रॉब्लम भी सही हो जाएगी। तो चलिए, और कोई आपकी कमेंट है तो कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।